सकते हैं। इस श्रृंखला का ये तीसरा और आखिरी एक दिवसीय मुकाबला भारत और जिम्बाब्वे के बीच। तो पहली गेंद इस मुकाबले की, आरपी सिंह मेरे साथ कॉमेडी बॉक्स में है। देखिए कितना बढ़िया गरावा गेंदबाजी के लिए आए हैं। आरपी हमारे साथ हैं, बाएं हाथ के गेंदबाज हैं और साइन भी बराबर रहती है। शिखर धवन को कट पसंद है, अगर आपने शॉर्ट पिच गेंद दी तो इस दिशा में चौका मारेंगे कवर पॉइंट के पास से। दूसरी गेंद में ही चौका प्राप्त कर लिया शिखर धवन ने। आगे लेके चले तो मूवमेंट मिलेगी आपको, हाँ मूवमेंट नहीं मिली तो फिर गेंद जो है बाउंड्री की तरफ इसी रफ्तार से मूव होती हुई नजर आएगी आपको। बास के बीच यहां पे तो परेशान नहीं होंगे शिखर धवन, परेशानियां आपकी और आपके कप्तान की बढ़ेंगी अगर इसी लाइन पे गेंदबाजी रही। ये रही कि केएल राहुल खुद आए ओपन करने के लिए। फ्री हिट मौका मिला शिखर धवन को, ठीक प्रकार से कनेक्ट किया नहीं, पर रन्स मिलेंगे यहां पर, दो रन निश्चित रूप से। ये और जो बैठे हैं शायद उस समय ईस्ट जोन के सिलेक्टर रहे थे, बढ़िया सिलेक्शन सवा सर। व्हाट अ शॉट शिखर धवन यूजिंग द पेस, बढ़िया शॉट यहां पर थर्ड मैन के दाई ओर से चार रन निकालते हुए। इस बार एक प्रकार और थोड़ा फाइन खेल दिया थर्ड मैन में, वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। ये ड्राइव है केएल राहुल का पसंदीदा शॉट, इसी तरह से लीन करके जो शॉट लगाते हैं इसका मतलब होता है कि धीरे धीरे वो फॉर्म वापस आ रहा है केएल राहुल के बल्लेबाजी में, जो कि बहुत ही अच्छा संकेत है केएल को मिलेगा यहां पर जिम्बाब्वे के लिए भी। ये शानदार शॉट है, इस बार देखिए समय मिला यहां पर केएल राहुल को और उसके बाद बेहतरीन टाइमिंग के साथ ये चौका जड़ा केएल राहुल ने। ये पसंद करते हैं शॉट मारना, फील्डर अगर लाइन पे होता तो शायद कैच पकड़ लेता, बहुत आगे आ गए थे और पुल मारना पसंद है। एवंस को लगा कि मौका था, फील्डर के हाथ में गेंद जानी चाहिए थी, तो आप देखें काफी आगे भाग के आ गए, शायद जज नहीं कर पाए मनीपा जी, खड़े भी थोड़ा सा आगे थे और काफी आगे खड़े थे क्योंकि बाउंड्री पर खड़े रहना मेरे ख्याल से जरूरी है क्योंकि तो इसलिए जब फाइन गेंद जाती है आपको भागना होता है, आगे भी खड़े हैं कि बल्लेबाज दो ना भाग जाए, एंगल कट करना होता है, वो सब बताओ फील्डर दिमाग में चीजें होती हैं आपके। बॉल हो गया इनसाइड एज, बहुत बड़ा झटका यहाँ भारत को, सेट हुए केएल राहुल, बल्ले का अंदरूनी किनारा और बॉल जा गिरी स्टंप पे, बेस गिर गई, बहुत रूम था नहीं, रूम इजाद करने का प्रयास किया वहां केएल राहुल ने, बहुत शॉर्ट गेंद भी नहीं थी, इतने शॉट्स हैं लेकिन शिखर धवन का तो लग ही रहा था कि कुछ ना कुछ करेंगे। इस बार कदमों का इस्तेमाल करके उन्होंने बेहतरीन तरीके से मिड विकेट के ऊपर से खेल दिया और ये एक्सपेक्टेड था शिखर धवन से। उसी के बारे में हम यहाँ बात कर रहे थे कि पांच फील्डर 30 यार्ड के दायरे में होता है तो ऑप्शन होता है, अगर मिड ऑन ऊपर है तो आप लेग साइड मार सकते हैं, बॉल तक पहुंचे नहीं थे। ये फिर भी उनके नाम 17 शतक है वनडे इंटरनेशनल में, क्या बात है, जिस तरह से उन्होंने एक शॉट खेली ऐसा लगा ही नहीं कि बॉल बाउंड्री की तरफ जाएगी, लेकिन कितनी बेहतरीन टाइमिंग हुई सर, आने दिया पैड पे लगने का मौका भी नहीं, बैट उससे पहले आगे आ गया, सही तकनीक इस्तेमाल किया। गिल के पास फॉर्म है, गिल के पास कला है, उनके पास सही जगह मीट किया, आने दिया आंख के नीचे और डिफेंस था पाजी, सिर्फ डिफेंस किया और अगर बल्ले के बीच में बॉल लग जाए तो फिर निकल जाती है बॉल। हवा में गेंद है फील्डर के हाथ में, सीधा कैच, सॉफ्ट डिसमिसल एवेंस के नाम, ये दूसरा विकेट है केएल राहुल का, आउट कर चुके हैं अब शिखर धवन को, बॉल थोड़ा स्लो आया, पहले बल्ला बंद कर दिया, खेल गए शॉट पहले धीमा, 84 दो विकेट के नुकसान पर था। लिया था शिखर धवन को आउट करके, पर ये बहुत ही लाजवाब शॉट है शुभमन गिल का, ये दर्शा रहा है कि अच्छे फॉर्म में है। तो मैच जीते या ना जीते ये फेज और अभी तक जिम्बाब्वे तो खुश होगी।
और यहाँ पे तो गेंद आज तक नहीं रुकी, यहाँ से ना वापस होके स्विंग आई है, कभी खत्म यहीं पे होती है जाके। चुआंगवा एक बार फिर, कमाल का शॉट है ये, गैप ढूंढ निकाला, फील्डर पीछे था। 100 रन भारत के पूरे हुए 24.1 ओवर में। तो रोहित शर्मा क्या सोच रहे हैं इस समय, जहां तक ओपनिंग कॉम्बिनेशन की बात करें। ओ कमाल का शॉट ये, आक्रामक शॉट ये शुभमन गिल का, स्लॉट में भी था पर उसके लिए तैयार थे और बड़े आसान से ये स्ट्रेट ड्राइव लगाया शुभमन गिल ने। अब भारत में ही नहीं, भारत के बाहर वो भी सेना देशों में जबरदस्त प्रदर्शन किया है शिखर धवन ने। एक समय था जब वो टेस्ट मैचेस में भी रन बना रहे थे, पर एक दौर आया है उसके बाद, अब इस समय जगह नहीं है। T20 में भी कुछ वही हुआ है, तो सिर्फ एक ही फॉर्मेट में। ये सही शॉट है ईशान किशन का, इंतजार किया और उसके बाद बहुत देर के बाद ये शॉट लगाया ईशान किशन ने। ऐसा लगा कि बल्लेबाज खुल गया। अब पिछला पैर देखिए, जब तक अभी खड़े खड़े ना तो आपको रुका हुआ रहता है आदमी। इस शॉट में पैर रही है, बढ़िया शॉट यहां पर, हल्के हाथों से खेल दिया और 4 रन शॉर्ट फाइन लेग के एरिया में। भाई शुभमन गिल भी तो इसी पिच के ऊपर खेल रहे हैं ना। अब आप चाहे पहले शिखर धवन की बात करें, ईशान किशन की बात करें, आपको देख लें 39 पे पहुंच गए हैं 35 गेंदों पे। उन्होंने बढ़िया स्ट्राइक रेट कायम रखा हुआ है, ये देखिए किस चतुराई से खेला इन्होंने। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की है और बाउंड्री के साथ 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई है, ये तीसरी विकेट की। इसी बाउंड्री की खोज में थे कब से ईशान किशन। ये जैसे पॉल बात कर रहे थे, पिछला घुटना जमीन पे लगा तो गेंद की उछाल के नीचे आया, आप आत्मविश्वास फिर बढ़ जाएगा गेंदबाज का। तो फिर यही विकल्प बचते हैं कि एक के बाद एक बाउंड्रियां लगाते चले जाएं आप। 141 पे दो, और यहां भी अपना अर्धशतक पूरा कर दिया इस सिंगल के साथ, एक और अर्धशतक शुभमन गिल के नाम। नहायत ही खूबसूरत पारी खेलते हुए अपनी टीम के लिए। बहुत बढ़िया ढंग से स्वीप करते हैं ये, बहुत ही बढ़िया ढंग से। उनको ये अंदाजा होता है कि पीछे खिलाड़ी जो खड़ा है वो कहां खड़ा है और उससे दूर गेंद को कैसे भेजना है। अगर आप देखते हैं ना, ये जो अभी पॉल बात कर रहे थे, किस नजाकत से उन्होंने ये बाउंड्री, पहले इस बाउंड्री को चुना, इसको चुराया और फिर वो सिंगल ढूंढा। और जैसे मैं कह रहा था कि जब भी किसी बल्लेबाज को आप इस खूबसूरती से रन बनाते हुए देखते हैं ना, ये देखिए बाउंड्री, सिंगल और फिर बाउंड्री। आप मजबूर कर रहे हैं गेंदबाज को कि वो आपकी ताकत जहां है वहां गेंदबाजी करे। तो बनेंगे नहीं बनेंगे वो एक सवाल है। बिल्कुल बन सकते हैं जिस हिसाब से बल्लेबाजी हो रही है। क्या बढ़िया शॉट लगाया ईशान किशन ने, सिंगल निकालना इनके लिए मुश्किल है पर बाउंड्रीज मारना ऐसा प्रतीत होता है बड़ा आसान है। और ये पसंद करते हैं शॉट मारना, पार्ट टाइमर्स को लेके आए और दो चौके लग चुके हैं इस ओवर में ऑलरेडी। बढ़िया गेंद पिक किया ऑफ स्पिन के बाहर का गेंदा, ये देखिए ये तो डांस चल रहा है पहले मैच से। बहुत सही काम करते हुए शुभमन गिल अपने बल्ले के साथ, फिर ड्राइव देखिए सामने ड्राइव, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कि भाई आगे बॉल आ रही है और सही तरीके से अंजाम दिया उस शॉट को। तो और जिम्बाब्वे मिली अभी देखा जाए तो, अभी अच्छी टीमें इनको और मिलेंगी, पीछे रह गए वहां गेंदबाजी अच्छी थी पर गैप में गेंद है, थर्ड मैन बहुत वाइड है तो वहां 4 मिले किशन को, एका मार के मैच जिताया था भारत को। और ऐसा प्रतीत तो हो रहा है क्या भाई, जिस तरीके से बल्लेबाजी 10 रन प्रति ओवर बना सकते हैं। एक और शॉट शुभमन गिल के बैट से, इस बार बैकवर्ड पॉइंट पर चौका प्राप्त किया। मारते ही दो की मांग करी शुभमन गिल ने और दो मिल जाएंगे, सामने बॉल गई। इसी के साथ 200 रन लग गए बोर्ड पे भारत के लिए, 200 रहे हैं क्राउड, महिलाएं ग्राउंड पे, सोमवार है वैसे पर क्राउड पहुंचा हुआ है बल्लेबाजी देखने भारत की और गेंदबाजी भी।
खराब फील्डिंग वहां, चार मिल गए ईशान किशन को। बहुत फाइन रन्स मिलने चाहिए, धीमी पीछे फाइन खेलोगे चौका प्राप्त होगा। रन तो बना लें दो, पहले मुझे 50 कर लूंगा मैं, उसके बाद मैं हाथ खोलूंगा, एक रन चाहिए मुझे। दबाव भरा लम्हा गुजरा इनका, वैसे लगातार मैचेस खेलने को मिले नहीं इनको, और इसी के साथ 50 रन पूरे किए ईशान किशन ने। दबाव में थे पिछले मैच में, कुछ कर नहीं पाया खास, आज भी एक आध कैच छोड़ा पर संयम बना के रखा। पैनिक, ओ करीबी मामला होगा ये, रिव्यू के बारे में सोचा जा सकता है, अंपायर के डिसीजन का जरा प्रतीक्षा करिए, करना पड़ेगा क्योंकि अगर रिव्यू में शुभमन गिल आउट निकले तो ईशान किशन फिर रन आउट नहीं हो सकते, एक गेंद में दो थोड़ी आउट हो जाएंगे। लेकिन ईशान किशन नहीं बचेंगे अब क्योंकि वो रन आउट हो चुके हैं। 224 पे 3 है अब भारत, अलग ही क्लास लगती है उनकी। ये LBW की अपील हुई थी और वहां पर रन लेना चाहते थे ईशान किशन, लेकिन शुभमन गिल बिल्कुल तैयार नहीं थे। अच्छी फील्डिंग वहां पे, डायरेक्ट थ्रो, सीधा जाके लगी है स्टंप पे गेंद, बल्ले और पैड के बीच से गेंद निकली, और ये खास बात है इनमें पहले भी बल्लेबाजों को चकमा दे चुके हैं, दबाव डाल सकते हैं आप। यह हो गया शतक पूरा शुभमन गिल का, पहला शतक जड़ा है इन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट में, और चेहरे पे मुस्कान ये सब कुछ जाहिर करती है। पाने को अभी कई मुकाम बाकी हैं, इस खेल के कई इम्तिहान बाकी हैं, अभी तो नापी है आपने मुट्ठी भर जमीन शुमन, अभी तो आगे पूरा आसमां बाकी है। यह लेकिन केवल उन खिलाड़ियों को तो पता है कि इनकी क्वालिटी क्या है, इनकी क्लास क्या है, लेकिन ये देखिए, थैंक यू, लेकिन थैंक यू कहना चाहिए शुभमन गिल को, जिस तरह चूक होगी ये मन बना के आए थे, और अब इनको नहीं रोक पाएंगे आप, नहीं रोक पाएंगे इनको। ओवर समाप्त हुआ 233 पे 4, बेहतरीन प्रदर्शन है उनका वनडे इंटरनेशनल में। शॉट बॉल हवा में खेला है, और इतने अच्छे टाइमर है कि बाउंड्री के पार, ये है संजू सैमसन की ताकत, ये ताकत है सैमसन की। अभी सैमसन को रोकने के लिए डलेला मिलेगी तो कहां मिलेगी, ये सैमसन नहीं रुकने वाले। आस का समा रहा है संजू सैमसन में भी, वो बात तो है। लीजिए एक बार फिर एक्शन रीप्ले, एक्शन रीप्ले है ये बिल्कुल, और इसी क्लास की। फील्डर मौजूद है, विकेट मिलेगी यहां पे योंगवे को, 14 रन जरूर इस ओवर से आए थे। ये बहुत बढ़िया बैट्समैन है, इस बार जबरदस्त शॉट लगाने की कोशिश, लेकिन खराब फील्डिंग वहां पर माना जाता है, क्योंकि वो बीच के जो आपके पास 30 ओवर आपको मिलते हैं, एक खिलाड़ी बाहर कम होता है। अब तो हाथ खुलने ही हैं, अब तो हर ओवर में आपको इस तरह की बाउंड्रियां नजर आएंगी यहां से। टाइम नहीं कर पाए, जब पहले शॉट खेला तो ऐसा लगा कि बहुत बढ़िया टाइम किया, लेकिन टाइमिंग इतनी अच्छी नहीं थी, सीधा फील्डर के पास गई और एक और झटका लगा। बाउंड्री मिल गई यहां पे, दोहरे मन में ना रहिए, जो आपकी ताकत है बस उसी के हिसाब से बल्लेबाजी कीजिए। एक हाथ बल्ले से हट गया और इसी वजह से गेंद यहीं तक गई फील्ड के बाहर। थोड़े से निराश होंगे, आउट हुए, लेकिन मन में आ,
भाई वाह। एक तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि लॉन्ग ऑफ वाला खिलाड़ी इतना आगे क्यों चला जाता है। जो बाउंड्री पर फील्डर था 10 यार्ड अंदर खड़े हैं बाउंड्री के, वो ऐसा लगता है कि इनकी स्ट्रैटेजी है इस बार धीमी गति से फेंकी थी बॉल। देखना है कि 5 विकेट पूरे करते हैं या नहीं। और अच्छी कैच वहां, अच्छी दो की मांग है यहाँ पे और दो मिलने भी चाहिए। तो 50 ओवर का खेल समाप्त हुआ। टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 289 रन बनाए हैं 8 विकेट के नुकसान पे।